नमस्कार। हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए जब पेशेंट आते हैं तो उसमें दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट होते हैं जिसमें बॉल और सॉकेट दोनों ही ख़राब हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, एंकालोजिंग के पेशेंट हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्रैक्चर नेक फीमर होता है जो जुड़ता नहीं है, नॉन यूनियन में चला जाता है, या एवियन के पेशेंट होते हैं जिसमें सिर्फ बॉल यानी कि हेड ख़राब होता है, सॉकेट बिल्कुल ठीक होती है, एसिटाबलम हेल्दी होता है। तो ऐसे में कई बार पेशेंट भी हमसे पूछते हैं कि हम दोनों चीज़ें क्यों चेंज कर रहे हैं, सिर्फ बॉल क्यों नहीं चेंज कर देते, सॉकेट को ओरिजिनल रखते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कई बार ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है कई जगहों पर, हम ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी बताएंगे, और जब ऐसा किया जाता है तो उसका क्या नुकसान होता है। जब हम सिर्फ बॉल चेंज करते हैं तो उस सर्जरी को कहते हैं बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। जब हम बॉल और सॉकेट दोनों चेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि हाफ हिप रिप्लेसमेंट एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो जब भी हम हाफ हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका पेशेंट को बहुत जल्दी नुकसान पता लग जाता है और पेशेंट रिवीजन के लिए हमारे पास आता है। तो पहले हम आपको डिफरेंस बताते हैं कि बाइपोलर क्या होता है और टोटल हिप क्या होता है। तो ये इम्प्लांट हम देख रहे हैं, दिस इज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि बाइपोलर, और ये है टोटल हिप। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि हमारे दो पार्ट्स हैं अलग अलग, ये सॉकेट है जो ऊपर की तरफ लगती है, और ये स्टेम है और ये बॉल है, और ये इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, राइट। तो ये सॉकेट ऊपर फिक्स हो जाती है, इसमें इस तरह से लगा देते हैं और ये इस तरह से हमारा इम्प्लांट बनता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। लेकिन कई बार ये बाइपोलर इम्प्लांट यूज़ किया जाता है जो कि एक सिंगल पीस है, और इसमें जो मूवमेंट है इसको बाइपोलर क्यों कहते हैं, पहली चीज़ क्योंकि इसमें दो जगह मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट ये हो रही है और ये जो बाहर वाला शेल है ये भी मूव करता है एसिटाबलम के ऊपर, और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टोटल हिप में सॉकेट फिक्स हो जाती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही जगह मूवमेंट है, ओनली वन प्लेस। इसमें यहाँ भी मूवमेंट है हेड और सॉकेट के बीच में, और ये जो शेल है ये भी पूरा मूव करता है, और इसकी वजह से जब ये बोन के ऊपर मूव करता है, ये मेटल है और जब बोन के ऊपर मूव करेगा तो ये बोन को ख़राब कर देता है, और ये बहुत पेनफुल हो जाता है। कई बार ये यहाँ से लूज़ भी हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इम्प्लांट नहीं है। अगर आप डिफरेंस देखें दोनों स्टेम्स में तो इसमें ये बहुत सारी कॉरोगेशन बनी है जिसमें बोन ग्रो करती है, ये बिल्कुल प्लेन इम्प्लांट है। तो या तो ये लूज़ होकर अंदर सिंक कर जाता है, या फिर इस जगह पर एसिटाबलम के ऊपर ये पेनफुल हो जाता है, और कई बार ये अंदर भी चला जाता है पेल्विस के अंदर। तो ये सारे नुकसान होते हैं। हम कुछ पेशेंट्स के एक्सरेज आपको दिखाते हैं तो आप खुद ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। सबसे पहले एक्सरे हम देख रहे हैं अब्दुल मुशाहिद का, जो हमारे पास तेलंगाना से आए हैं। तो इनका फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था और इसमें ये बाइपोलर इम्प्लांट डाल दिया गया। आप ये देखिए इस टाइम पर ये जो इम्प्लांट का लेवल है वो यहाँ पर है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे एक्सरे, अब हमारा इम्प्लांट यहाँ है और बोन यहाँ है, यानी कि इतना इम्प्लांट हमारा अंदर चला गया है, ये सिंक कर गया है। और आप अगर देखेंगे इधर तो ये पूरी लूजनिंग हो गई है, और यहाँ फ्रिक्शन होने से पेशेंट जब भी चलते हैं तो इनको दर्द हो जाता है। इनकी उम्र थी 29 साल जब इनकी सर्जरी की गई। तो इसमें वही कंसेप्ट यूज़ किया गया कि जब बॉल हमारी सिर्फ बॉल ख़राब है तो बॉल को चेंज करते हैं, सॉकेट को नहीं करते हैं। लेकिन पेशेंट 2 साल के अंदर ही अब हमारे पास आ गए हैं रिविजन हिप रिप्लेसमेंट के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। ये अगले पेशेंट हमारे इकबाल खान, इनकी उम्र है 58 साल, और इनका भी 10 महीने पहले ये बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी किया गया था क्योंकि इनको फ्रैक्चर नेक फीमर था, और जिस दिन से इनकी सर्जरी हुई है तब से इसमें पेन है क्योंकि ये इम्प्लांट यहाँ पर लूज़ हो गया है। तो जब भी चलते हैं तो इनको थाई में पेन होता है, ज़रा सा करवट लेते हैं, साइड चेंज करते हैं तो इनको यहाँ बहुत पेन होता है। ही वॉज़ इन वेरी पेनफुल कंडीशन जब हमारे पास आए। तो अगेन वही गलती कि जो इम्प्लांट की चॉइस है वो अच्छी नहीं है, तो इसीलिए पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। 10 महीने से ये प्रैक्टिकली घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, और इनका सब काम वाम भी रुक गया है इसी वजह से। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ये है सावित्री जी, जिनकी उम्र है 63। इनका भी इसी तरह से बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट किया गया था, लेकिन आप देखेंगे कि जो इम्प्लांट है वो अंदर चला गया है। पहले जो हमारा एसिटाबलम है वो सिर्फ यहाँ तक था, लेकिन ये इम्प्लांट इतना अंदर पेल्विस के अंदर चला गया। ये देखिए इम्प्लांट सिर्फ यहाँ तक रहना चाहिए था और ये अंदर माइग्रेट कर गया है, तो पूरा जो बोन है वो डैमेज हो गई है।
यहाँ भी सीमेंटेड इम्प्लांट किया है बट ये कंडीशन ठीक है, तो इसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं, इनकी बिल्कुल बहुत पेनफुल और डेली इनको पेन किलर लेना पड़ रहा है। शी इज 63, शी हैज़ अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, लेकिन अगेन अगर इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया होता तो ये दिक्कत कभी नहीं आती। तो दिस इज़ अवर थर्ड एग्जाम्पल। तो हमारा मैसेज यही है कि बाइपोलर इम्प्लांट किसी भी एज ग्रुप के लिए, आपने देखा है अभी 28 साल का इंसान है या 65 साल का इंसान है, किसी के लिए भी एक अच्छा इम्प्लांट नहीं माना जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बड़ा कम कॉस्ट का इम्प्लांट होता है, तो पेशेंट कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो उस वजह से अच्छा इम्प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप देखेंगे बार बार सर्जरी होती है तो आप सफ़र भी करते हैं, आपका ऑपरेशन भी दोबारा होता है और आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहली बार में ही आप अच्छा इम्प्लांट यूज़ करें ताकि आपको इन सब तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिले और आप एक अच्छा रिजल्ट लें हमेशा के लिए। तो दोस्तों इम्प्लांट चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन सीमेंटेड सिरेमिक इम्प्लांट इज़ बेस्ट फॉर एनी एज ग्रुप, और अगर MIS टेक्निक के साथ करते हैं तो उसका आपको डबल फ़ायदा मिलता है। इस तरह के अगर आपके भी कोई सवाल हैं, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।